हे गाइज, ऑलराइट। सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पिक्सा टाइप का यूज करके कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे कर पाओगे। गाइज, ऐसे एडिटिंग करना काफी आसान है, देख पा रहे हो कि फोटो कितना अमेजिंग लग रहा है। एंड गाइज, इस फोटो का ट्यूटोरियल हमने ऑलरेडी बना रखा था, वो भी स्नैपसीड ऐप से, तो आप लोगों ने उस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो मैंने सोचा कि इस स्नैपसीड एडिटिंग को मैं एक बार पिक्सार्ट में भी आप लोगों को करके सिखा दूँ, क्योंकि बहुत लोग पिक्सार्ट के फैन हैं। तो ये एडिटिंग काफ़ी ईजी है, वीडियो को पूरा देखिए, आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन कर दीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं, एंड यहाँ पे गाइज देख पा रहे हो कि गैलरी के अंदर हमने इस फोटो को ओपन कर लिया है। हालांकि गाइज, हमने इस फोटो का एडिटिंग ट्यूटोरियल एक बार और भी अपलोड किया है, तो वो एडिटिंग हमने स्नैपसीड से किया है और उस एडिटिंग को करने में काफ़ी टाइम भी लगा है, लेकिन ये वाला एडिटिंग सेम वैसा करेंगे, लेकिन ये हम पिक्सार्ट से करेंगे और ये करना काफ़ी ईजी है, मतलब बहुत आसान है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, आप 100% अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो गाइज, सबसे पहले इस फोटो को हम शेयर करके ओपन कर लेंगे पिक्सार टाइप के अंदर, ठीक है। तो पिक्सार टाइप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो ऐप मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो शायद आपको ये फीचर ना मिले। तो आपको सबसे पहले सबसे पहले आपको पिक्सार टैप के अंदर अपनी फोटो को ओपन कर लेना है। देन गाइज, आपको यहाँ से टूल्स पे क्लिक करना है, यहाँ आपको रिसाइज पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि साइज काफ़ी इसके कम है, तो यहाँ पे हम इसकी साइज को बढ़ा देंगे। तो गाइज, अब इस फोटो की साइज हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ पे हम 6000 इसकी हाइट डाल दें, विड्थ डाल देंगे। देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2591 ये डालने के लिए बोल रहा है इसकी विड्थ को, ठीक है। तो हम 2591 यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये फोटो रिसाइज हो गया। इस फोटो की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी यही थी, तो वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको रिसाइज कर लेना है। रिसाइज कर लेने के बाद गाइज, आपको सबसे पहले यहाँ पे इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएगा, FX, BMW, आप देख पा रहे हो कि स्केच, कलर्स। तो आपको कलर्स वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है, यहाँ आपको एक कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। कलर्स के अंदर आ जाने के बाद सबसे पहले ये कलर स्प्लेस आपको दिख रहा है, तो कलर स्प्लेस पे आपको क्लिक करना है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद ये प्लस का आइकॉन आप देख पा रहे हो कि एक प्लस का आइकॉन आपको मिलेगा। सिंपली आपको इसे आपको अपनी फेस के किसी एक जगह पे रख देना है कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पे गाइज, आपको मिन ह्यू को पूरा आगे की ओर बढ़ा देना है, एंड मैक्स ह्यू को आप देख सकते हो कम या ज़्यादा करके। यहाँ पर इतना जो है परफेक्ट लग रहा है हमको, तो आप देख पा रहे हो कि फोटो में पूरा डार्क सा टोन जो है डल चुका है। तो अब यहां से आपको सिंपली डन कर देना है। अब आपको यहां टूल्स पे क्लिक करना है, यहां पे आपको एडजस्ट पे जाना है, यहां से सेचुरेशन पे जाना है, एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा जो है कम कर देना है, लगभग इतना। एंड यहां पे आपको क्या करना है, शेडोज को थोड़ा सा जो है बढ़ा देना है, लगभग इतना। एंड यहां पे क्लैरिटी को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, ज़्यादा नहीं। एंड यहां पे कॉन्ट्रास्ट को भी हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। इतना काम आपको करके यहां पे सिंपली डन कर देना है। तो अभी आप देख पा रहे हो फोटो में बिफोर एंड आफ्टर, फोटो में फेस भी यहाँ पे देख पा रहे हो कि वाइट हो गया, एंड बैकग्राउंड में भी डार्क सा टोन मिल गया। अब आपको यहाँ इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे गाइज आपको जाना है ब्लर वाले ऑप्शन के अंदर, यहाँ से आपको ये वाला ब्लर जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से इरेजर पर आपको क्लिक करना है, देन आपको सिंपली बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे, ये वाला इफेक्ट जो है पूरे सिर्फ बैकग्राउंड पर अप्लाई हो जाएगा। तो बैकग्राउंड पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे अब आपको डन करना है। यहाँ पे थोड़ी इसकी फेड को हम बढ़ा लेते हैं, लगभग इतना। आप देख पा रहे हो कि फेड को बढ़ा देने के बाद फोटो में एक रियलिस्टिक टोन आ रहा है। अभी आप देख पा रहे हो कि फोटो में कितना मस्त जो है कलर यहाँ पे आ गया है, एंड बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर हो गया है। तो आपको इतना काम जो है कर लेना है। अब यहाँ से आपको ब्यूटीफाई के ऑप्शन के अंदर आना है, यहाँ से आपको स्मूथ का एक ऑप्शन मिलेगा, स्मूथ पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपके फेस को ऑटोमेटिक से स्मूथ कर लेगा, तो आपको इसकी थोड़ी सी कम रख लेना है वैल्यू को, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, लगभग इतना। एंड यहाँ से आपको सिंपली डन कर देना है। तो अभी आप देख पाओगे कि फ़ोटो में पूरा बिफोर एंड आफ्टर कुछ इस तरीके का टोन डल चुका है, एंड फ़ोटो काफ़ी यहाँ पे मस्त लग रहा है। ऐसे एडिटिंग पिक्सार्ट में काफ़ी इजी थी, आपने देख लिया। स्नैपसीड में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन उससे भी बहुत ही अच्छी एडिटिंग होती है। सो कुछ इस तरीके की एडिटिंग आप कर पाओ अपने पिक्सार टाइप की हेल्प से, इसलिए गाइज हमने ये वीडियो बनाया। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन कर लीजिए। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।